और एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, मुख्तार अंसारी पर जल्द ही ईडी शिकंजा कसेगी। दरअसल ईडी ने एलडीए को लेटर लिखकर मुख्तार की नामी और बेनामी संपत्ति का ब्यौरा मांगा था, जिस पर एलडीए ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे दी हैं। कैंट रोड पर एक अपार्टमेंट में मुख्तार के परिवार के नाम पर फ्लैट है। डालीबाग कॉलोनी में निष्क्रांत संपत्ति और विधानसभा मार्ग पर पेट्रोल पंप का कुछ हिस्सा समेत मुख्तार के कुछ करीबियों की जमीन के बारे में एलडीए ने ईडी को बताया है। और ईडी के सूत्रों के मुताबिक कैंट रोड पर स्थित फ्लैट मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी का बताया जा रहा है। और अपार्टमेंट का नक्शा कब और कैसे पास हुआ, फ्लैट की रजिस्ट्री में कितना स्टाम्प शुल्क चुकाया गया, इस बारे में एलडीए ने ईडी को पूरी जानकारी दे दी है। देखिए हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी की ग्राउंड रिपोर्ट। सारी की बेनामी संपत्तियों को तलाशते हुए पुलिस लखनऊ विकास प्राधिकरण पहुंच गई है। हमारे साथ एलडीए के सचिव पवन गंगवार जी हैं, जिनसे पुलिस ने मुलाकात की है। सर, कोई चिट्ठी दी है पुलिस ने संपत्तियों के बारे में, क्या है पूरा मामला? पहले तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक पत्र आया था, तो उसके संबंध में जो सूचनाएं एलडीए के पास थी वो उनको प्रेषित की गई थी। उसके अलावा आजमगढ़ पुलिस के द्वारा कुछ सूचनाएं मांगी गई थी, वो भेजी गई थी। अभी एक मऊ जनपद से कुछ सूचनाएं मांगी गई हैं, उनको भी भेजा जा रहा है। तो एलडीए के द्वारा पूरा सहयोग करते हुए जो भी उपलब्ध सूचनाएं हैं वो उनको, जो भी जांच एजेंसियां हैं सभी को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें सर मुख्तार अंसारी की भी कुछ संपत्तियां हैं जो उनके परिवार के नाम से हैं, कुछ ऐसी? हाँ, उनके परिवार के नाम की संपत्तियों का विवरण पहले भेजा गया है, और जैसे भी हम लोगों की जानकारी में आता है या पुलिस के द्वारा जो जानकारी चाही जाती है तो उसको हम लोग लगातार उनके साथ समन्वय करते हुए भेजते हैं। मऊ पुलिस ने कई फ्लैट की जानकारी दी है जो मुख्तार के करीबियों के हो सकते हैं, क्या अभी तक उसमें कुछ जानकारी मिली है कि कौन से करीबी हैं? एक फ्लैट के बारे में उन्होंने जानकारी चाही थी, उस फ्लैट का पंजीकरण उनके परिवार के व्यक्ति के नाम पर तो संभवतः नहीं है, लेकिन वो किस तरह से उनके साथ संबंधित है वो विवेचना में पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है। उसके अलावा उस अपार्टमेंट का नक्शा कब पास हुआ और कैसे हुआ और वो सारे विवरण जो भी पुलिस ने चाहे थे वो उनको उपलब्ध करा दिए गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।